नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बीपीएसएससी ने दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की लिखित परीक्षा की घोषणा। दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के लिए होने वाली संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा 29 नवंबर को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही प्रवर्तन अवर निरीक्षक और एएसआई स्टेनो के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में किया जाना है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2446 पदों के लिए संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख 11 अक्टूबर को तय कर दी गई थी। हालांकि चुनाव के पहले परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। पिछले 29 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित करने की बात आयोग की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 212 पदों के लिए 6 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। प्रदेश के 91 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग की रहेगी नजर। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के कुल मिलाकर 91 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान कर ली है, जहां धनबल का इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई थी या फिर पहले से जिन इलाकों में धनबल को लेकर शिकायतें दर्ज की गई हों, क्योंकि पिछले कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में गलत राशि पकड़ी गई है और अवैध लेन देन की भी सूचना मिली है। ऐसी आशंकाएं जताई गई है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर से धनबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन सभी 91 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 67 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जिनका अहम काम चुनाव में इस्तेमाल होने वाले अवैध राशि को रोकना होगा। 11 अक्टूबर से नए समय पर होगा 9 क्लोन ट्रेनों का परिचालन। प्रशासन की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 11 अक्टूबर से 9 क्लोन ट्रेनों के परिचालन के समय में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने दी है। इसके तहत अब मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर जंक्शन 16:40 पर पहुंचकर 16:50 पर रवाना होगी। दरभंगा नई दिल्ली स्टेशन से 19:55 पर पहुंच जाएगी, फिर 8:05 पर रवाना होगी। नई दिल्ली दरभंगा कानपुर सेंट्रल अब 18:25 पर पहुंचेगी और 18:30 पर खुलेगी। एस बॉक्स स्टेशन 19:40 पर पहुंचेगी और 19:50 पर छूटेगी। इसके साथ ही कई अन्य ट्रेन के समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। डॉल्फिन सेंचुरी में कहलगांव से सुल्तानगंज तक अब ले सकेंगे वाटर सफारी का मजा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के मौके पर कहलगांव से सुल्तानगंज के बीच गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में वाटर सफारी की शुरुआत हो चुकी है। 60 किलोमीटर और 6 ऑटोमेटिक नाव चलाकर डॉल्फिन सेंचुरी में पर्यटकों को डॉल्फिन दिखाया जाएगा। आपको बता दें, बटेश्वर कहलगांव स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में सोमवार को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के उपलक्ष्य पर 6 जलज नाव की शुरुआत हुई थी। भारत वन जीव संस्थान के गंगा प्रहरी स्पेयर हेड दीपक कुमार ज्ञानी जी, मुखिया भोला मंडल, भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ता गौरी चंद्रदास ने झंडा दिखाकर नाव को रवाना किया है। गंगा प्रहरी दीपक कुमार ने बताया कि जलज नाव डॉल्फिन संरक्षण के साथ ही गंगा में रहने वाले जीवों के संरक्षण में और संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। शिवसेना ने बिहार के पूर्व डीजीपी पर एक बार फिर साधा निशाना। सुशांत सिंह राजपूत मामले में शिवसेना लगातार बिहार सरकार और खास करके बिहार के पूर्व डीजीपी पर निशाना साधते आई है। इसी क्रम में शिवसेना की तरफ से एक बार फिर से बिहार के पूर्व डीजीपी पर निशाना साधा गया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना ने अपने मुखपत्र को जारी करते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जारी गुत्थी अब सुलझा ली गई है। हालांकि शुरुआती समय में कई गुप्तेश्वरों को महाराष्ट्र द्वेष का गुप्त रोग हो गया था, लेकिन 100 दिनों के बाद हाथ क्या लगा, एम्स ने सारी सच्चाई बाहर ला दी। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश की जताई आशंका। बिहार में मॉनसून जाते जाते अपना रंग दिखा रहा है। बारिश का असर बिहार राज्य पर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच बिहार के तापमान को लेकर मौसम विभाग ने अपना बयान भी जारी किया है, जिसके तहत विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 2 दिनों में बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी राजधानी पटना समेत सूबे के कई इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। चुनाव आयोग ने बिहार में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव करवाने की कही बात। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बीते दिन पर्यवेक्षकों से साफ शब्दों में बिहार में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव करवाने की बात कही है, जिन्हें अंतरिम सावधानी बरतने की खास जरूरत है। अरोड़ा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि पूरे विश्व समुदाय की इस पर नजर रहने वाली है।
निर्वाचन आयोग की तरफ से साझा किए गए बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि मतदाता में यह विश्वास भरा जाए कि चुनाव के दौरान तमाम प्रयास किए जाए जिससे चुनाव का आयोजन सफलतापूर्वक करवाया जा सके, साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव का भी खास ध्यान रखा जा सके। आज बिहारी बर्थ डे स्पेशल में हम बात करेंगे संजय मिश्रा और निकिता सिंह की। बिहार के कई प्रतिभाओं ने हर स्तर पर अपना दमखम दिखाया है। इसी कड़ी में आज बिहार के संजय मिश्रा और लेखिका निकिता सिंह का जन्मदिन है। संजय मिश्रा बिहार के जाने माने कलाकार हैं। संजय का जन्म आज ही के दिन साल 1963 में राजधानी पटना में हुआ था। भारत के जाने माने कलाकार ने अब तक कई फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक कई सारे टीवी सीरियल्स में भी अपना परचम फहराया है। साल 2015 में उन्हें फिल्मफेयर क्रिटिक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं निकिता सिंह की बात करें तो पेशे से निकिता एक लेखिका है जिन्होंने अब तक कुल मिलाकर 12 किताबों का लेखन किया है, जिसमें द रीजन इज यू, एवरी टाइम इट रेन्स, लाइक अ लव सॉन्ग, द प्रॉमिस एंड आफ्टर ऑल दिस टाइम समेत कई किताबों के नाम शामिल हैं। सीपीआई से नाराज एआईएसएफ ने 14 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। सीपीआई के छात्रा इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसके लिए सोमवार को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन भी करवाया गया था, जिसमें एआईएसएफ के नेताओं ने 14 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। टिकारी में एआईएसएफ के राज्य सह सचिव कुमार जितेंद्र सिवान से, एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार महनार से, एआईएसएफ के राज्य अध्यक्ष संजीत पंडित फुलवारी से, एआईएसएफ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य महेश रजक महुआ से, एआईएसएफ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य पिंकी कुमारी और मोहद्दीन नगर विधानसभा सीट से एआईएसएफ के समस्तीपुर जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इसी क्रम में मनेर से एआईएसएफ के पटना जिला सचिव जनमंजय कुमार, केसरिया से एआईएसएफ के पूर्वी चंपारण जिला के संयोजक धनंजय कुमार, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, राहुल कुमार यादव, अमित नयन, आदित्य प्रकाश समेत कई के नाम शामिल है। भाजपा का दामन थामने के बाद बिहार पहुंची श्रेयसी सिंह। शूटिंग में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह भाजपा में शामिल होने के बाद बीते दिन पटना पहुंच चुकी है। पटना पहुंचते उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, जिसके तहत उन्होंने कहा बिहार और अपने जिले में खिलाड़ियों के लिए काम करेंगी। वहीं भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पास भाजपा को चुनने का एकमात्र कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की मुहिम। उनकी माने तो प्रधानमंत्री के इस मुहिम से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं और यही कारण है कि उन्होंने बिना सोचे समझे भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री के मुहिम के तहत बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। उन्हें इस बात पर यकीन है कि वो बिहार का चेहरा बन सकती हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर तक अब पहुंचाए जाएंगे पोस्टल बैलेट। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करने वाले बुजुर्गों और दिव्यांग सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के लिए राहत भरी खबर। मिली जानकारी के अनुसार अब बुजुर्ग और दिव्यांग को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए आवेदन करने की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से साझा किए गए दिशा निर्देश के अनुसार बूथ स्तर के अधिकारी 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग और दिव्यांगों के घरों तक पोस्टल बैलेट के लिए आवश्यक फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं तो बीएलओ अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरा हुआ फॉर्म 12D एकत्र कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर वीआईपी ने केंद्र सरकार को जारी किया पत्र। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से रिश्ता तोड़ने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर बड़े आरोप लगाए हैं, जिसके तहत मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से अपनी जान के नुकसान पहुंचाने की बात कही है। इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मुकेश सहनी के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री और नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र में वीआईपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव द्वारा पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी की जान लेने की साजिश रची जा सकती है, इसलिए मुकेश सहनी को उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऋचा चड्ढा ने पायल घोष के खिलाफ मामला किया। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगा चुकी पायल घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पायल पर 1.1 करोड़ का मानहानि का मामला दर्ज कर दिया है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले को सुरक्षित रखते हुए सुनवाई को 7 अक्टूबर की तारीख दे दी है। कोर्ट के मुताबिक जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश होने को 1 दिन का समय दिया गया है। हालांकि पायल के इंटरव्यू के बाद ऋचा ने पहले भी अपना बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने उनके नाम को गलत तरीके से घसीटने की निंदा की थी। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे के सामने होंगी मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से मुंबई और राजस्थान भिड़ने वाले हैं। आईपीएल के 13वें सीजन को 4 बार की चैंपियन रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस कुल 5 मैच खेल चुकी है, जिनमें से उन्हें 3 मैच में जीत मिली है। वहीं 2 मैच में
हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई को अपने पिछले मैच में जीत मिली थी, जबकि राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई ने पिछले मैच में सनराइजर हैदराबाद को मात दी थी। चार बार की विजेता रह चुकी मुंबई इंडियंस की टीम फिलहाल फॉर्म में चल रही। किसी मैच में क्विंटन डी कॉक चलते हैं तो किसी मैच में कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से रनों की बौछार होती है। वहीं आज एक बार फिर से ये दोनों टीम एक दूसरे से भिड़ने के लिए मैदान में उतरने वाली है। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 66 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 61,267 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 66,85,083 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 884 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद भारत में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,03,569 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 56,62,491 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 9,19,023 पर पहुंच गई है। हालांकि मंगलवार को जारी किए गए मामलों पर गौर करें तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि प्रभावितों की संख्या कम होती जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम संतोषजनक है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।